साथ दूसरे बच्चों के लिए भी है। सर इस बीमारी में जैसे हम लोग पीड़ित है, एक ना टेस्ट होता है CVS टेस्ट, अगर सरकार उसको कंपलसरी कर दे तो कम से कम टेस्ट CVS टेस्ट कंपलसरी कर दे, हर जो मतलब मैरिज होती है लड़का लड़की की, मैरिज के बाद ये टेस्ट होता है, कम से कम जो बच्चे आने वाले हैं उनको तो रोका जा सकता है। अभी हमें ही सरकार इलाज नहीं दे रही और ये संख्या बढ़ती जाए। CVS टेस्ट कितना कॉस्टली है? ज्यादा कॉस्टली नहीं है सर, सरकारी हर चीज आज 5,000 से 10,000 में टेस्ट हो जाता है ये, लेकिन अवेयरनेस की वजह से अब जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि CVS टेस्ट सरकार को कंपलसरी करना चाहिए, अगर वो कंपलसरी हो तो डिटेक्शन जो है वो पहले पता चल सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये तो हम कंपलसरी कर देंगे लेकिन कुछ चीजें और भी कंपलसरी करने की जरूरत है, वो कहां से लाएं जिसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। हमने तो चुन के भेजा था कि इस पर बहस होगी, बातचीत होगी, कोई नए मुद्दों पे नहीं बात होगी, इस पर बात होगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर कैसे बात बनेगी, इस पर बात होगी कि अगर कोई बीमार है, अगर हमारी पीढ़ी कमजोर है तो उसको कैसे आगे लाएंगे, इस पर बात होगी। लेकिन बात तो कुछ और चली गई, बात तो कहीं और होने लगी, बात तो किसी और पे हो गई। तो सवाल यह है कि माँ के आंखों में आंसू क्यों ना हो, पिता ये क्यों ना कहे कि मेरे बच्चे की उम्र सिर्फ 21 बरस हो सकती है मैक्सिमम इस बीमारी में DMD में, और तिल तिल के जा रहा है। तो सोचिए उस पिता का दिल क्या कहता होगा जो कह रहा कि मेरे बच्चे की उम्र जो है तिल तिल कम हो रही है। क्या बोलूं मैं जी? जी सर, मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारे पिताजी को भी ऐसे हुआ है कि उनको ले जाना ले आना, हमारे यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ माता जी है, हमारे 2 बच्चे हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है ये कि उनके साथ नहीं है। ये मौका हमारे लिए था क्योंकि हम पुत्र हैं, हम भुक्तभोगी हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस देश के गरीबों की पुकार सुनिए और इन बच्चों के लिए एक ऐसी सिस्टम बनाइए, एक ऐसी उपचार बनाइए ताकि इनका इलाज हो और ये खड़े हो सकें। ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है, यही हमारे देश के भविष्य हैं। अगर ये अंधकार में रहेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इनकी आवाज सुने, और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि राजनीति मत करिए साहब, महिलाओं के ऊपर राजनीति मत करिए। आओ, वो जो महिला है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप आज तक नहीं बता पाए, आपके कान में जू तक नहीं रहेगी जब कश्मीर में उस बहन को बलात्कार करके आरी से काट दिया गया तो आपके राहुल गांधी जी, आपका नेता, कांग्रेस पार्टी की आवाज तक नहीं जाती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इन्हें सिर्फ लोकतंत्र की चिंता नहीं है सर, इन्हें सिर्फ एक परिवार की चिंता है, इन्हें इन बच्चों की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ एक परिवार की चिंता है। साक्षी मलिक जी का मैंने जब जिक्र किया, जब देश के उपसभापति, देश के उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पत्र बैठे हैं, रुको, वो कहते हैं कि मैं एक जाट जाति से आता हूं, मेरा असम्मान, मेरा अपमान जाट जाति का अपमान है। संवैधानिक पत्र बैठा व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है क्या? और जब ऐसी बात बोली जाएगी तब पूछा जाएगा कि जो जाट आंदोलन कर रहे थे, जो हमारे किसान, प्रभात जी, आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि बहस हो, मैं बिल्कुल, एक सेकंड दीजिए बस, बिल्कुल मूड में नहीं हूँ बहस हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ तो क्या संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति को अपमानित किया जा सकता है? नहीं, आप अभी ने कहा ना कि क्या ये कह सकता है, तो क्या ये कहा जा सकता है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, उपराष्ट्रपति जी का कोड है, वो कह रहे हैं कि मेरा पूरी जात जाति का मन, क्या मतलब होता है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैला रही है, ये समाज का दर्द है जो कि उनको तो अपने अपने पिता के तुल्य। मैं कहता हूँ प्रभात जी, छोड़िए जात छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो नकल उतारी गई क्या वो सारे समाज में बुजुर्गों का अपमान है या नहीं, इसका जवाब दीजिए मुझे। मैं आ रहा हूँ। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का इस प्रकार से मिमिक्री करना और कांग्रेस के भाभी मिस्टर राहुल गांधी का फोटो खींचना, वो एक देश के लिए शर्मसार है और बहुत ही ज्यादा शर्मसार है। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी को दूंगा। प्रतीक जी, अभी यहाँ पर बहुत संवेदनशील विषय पर बात हुई, गरीबी की बात हुई, गरीबों के साथ खड़ा होने का आह्वान हुआ, सबने एक स्वर में कहा, लेकिन अगले ही क्षण कहाँ पहुंच गए? तुरंत
जाति जाति, अभी इनको जाति के आधार पर चीजों को देखना है। इनकी इनकी राजनीति स्पष्ट है। मोदी जी ने साफ कहा ना, देश में हम सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए है। कोई एक जाति बताइए जिसमें ये चारों वर्ग शामिल ना हो। तो मोदी जी जिस सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, उससे रोकने के लिए संसद के भीतर क्या होता है उसका एक नमूना यहाँ भी उनके प्रतिनिधि दिखाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है इस डिबेट का, एक व्यक्ति जिसके सामने माइक है वो बोलेगा। प्रतीक जी को माइक हटाने का अधिकार है, लेकिन दूसरा अगर डिस्टर्ब करता है तो प्रतीक जी भी उसको कई बार प्रतीकात्मक सजा देते हैं। वैसे ही संसद के भीतर नियम कानून संविधान लागू है। अराजकता से लोकतंत्र नहीं चले, नहीं चलेगा जी। सबको बाहर निकाल देना भाई, सबको सबको कैसे बाहर निकाल, सबको बाहर कर दे। यही तो तनाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, सबको निकाल दे बाहर। ये विपक्ष चाहिए नहीं इनको, डर लगता है इनको। जब मैंने उसने बोला था ना, तनाशाह डरपोक होता है, यही कारण था बोलने का। देश को विपक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए 44 सीट पे आप अटक गए। देश को विपक्ष नहीं चाहिए आप जैसा, इसीलिए आप 44 सीट पे अटक गए। जो हमें वोट दे रहा है ना, वो पूरी जनता तुम्हारे हिसाब से मूर्ख है। जो विपक्ष को वोट कर दिया वो मूर्ख है। निकाल दो पूरे विपक्ष को बाहर, पूरे विपक्ष को कर दो बाहर। अमित, ये तानाशाही इस देश की जनता जवाब देगी। अरे तानाशाही होता तो मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। 19 के बाद आपके शो में फिर आ गया, क्योंकि मुझे कहीं एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है कहीं, किसी की एंट्री नहीं है। रुको, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आऊंगा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चुपचाप खड़े रहिए जी, बोलिए। इन्होंने कहा तानाशाही, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ भैया, आप वो तानाशाही भूल गए जब देश को इमरजेंसी के होम आर्म में झोंक दिया गया था, युवाओं को अंधेरे में बंद कर दिया गया था, देश के नेताओं को, विपक्ष को आप जेल के काल कोठरी में डाल देते थे, तब कहा था। और मैं दूसरी बार देखिए, मुद्दा आज देश में मिमिक्री है ही नहीं, मुद्दा है कि लोकतंत्र के मंदिर में इतना बड़ा हमला होता है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा पास बना के अंदर लिया जाता है। जब देश के सांसद आवाज उठाते हैं उस पर एक्शन हो, तो देश में 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जाट का अपमान हो गया। मुझे याद है हमारी बहन साक्षी मलिक, जिसने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के से कुछ न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा किसानों का अपमान हो गया, जब दिल्ली की सरहद पर 700 किसानों ने अपने हाथ, जिन्होंने अपनी जान गवा दी, जब भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं बोला। ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र की बात करते हैं, तब लोकतंत्र कहाँ गया था जब इमरजेंसी में आपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था? तब लोकतंत्र कब गया था? जब सारे शांति रखिए, शांति रखिए। आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। आपको ये बताइए, हिम्मत मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। आज अभी एट प्रेजेंट लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है। सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है एक निष्पक्ष बोर्ड के द्वारा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होता है, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद क्यों हटा दिया जाता है जानबूझकर, और उसकी जगह मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को लाते हैं, ताकि चुनाव आयुक्त को इलेक्शन कमीशन में डिफाइंड है कैसे, वो तो और डेमोक्रेटिक किया उन्होंने, बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है। नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आज तक पहले तो केंद्र सरकार जिनको चाहती थी उनको नियुक्त कर देती थी, सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक व्यवस्था करके सरकार को कहा था कि अब व्यवस्था बनाइए, और उसके तहत बनाई गई है। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, ये लोकतंत्र का मजा किससे बड़ा क्या हो सकता है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। एक घोटाला जिसमें एक व्यक्ति 1 साल से जेल में बंद है, दूसरा 8 महीने से बंद है, तीसरा 2 महीने से बंद है, उसके बाद भी चौथे से पूछताछ के लिए क्या जा बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे पहले चुनाव प्रचार करना है, फिर कहते हैं मुझे विपासना जाना है। ये वही लोग है ना जो कहते थे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, जांच कराओ, और जांच से भाग रहे हैं ये लोग। जी कहां से आना हुआ सर? मैं ये कहना चाहूंगा, ये फ्री की रेवड़ियां जो बढ़ रही है ना यहाँ पे, कहां दिल्ली में या पंजाब में, जो फ्री की रेवड़िया, हाँ फ्री की रेवड़ी जो बटी जा रही है यहाँ पे, हाँ। और जो बकवास करते हैं बीजेपी के जितने भी सांसद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस वाले जो परेशान कर रहे हैं उनको,
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा कांग्रेस वाले परेशान कर रहे हैं बीजेपी वालों को। मैं अच्छा ये बताओ बीजेपी वाले गुलाब की पंखुड़ी है? कांग्रेस से गुजरा वो जो है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो।